प्रायोजक हैं पप्पू लोधी, भावी उम्मीदवार, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 18। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। चाचा भतीजे का इश्क पहुंचा हत्या तक, रिश्ते हुए शर्मसार। चाचा ने ससुराल में आकर भतीजी को चाकुओं से गोदा, महिला को कराया अस्पताल में भर्ती, गंभीर हालत देखते हुए किया हायर सेंटर रेफर। दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। चाचा और भतीजी में था काफी समय से प्रेम के अवैध संबंध। भतीजी की शादी और दो बच्चों के बाद भी थे चाचा से अवैध संबंध कायम। कई बार दोनों के परिजन समझा चुके थे चाचा भतीजी को। आरोपी चाचा अरेस्ट, हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद। बुलंदशहर के कोतवाली शिकारपुर गांव हमीरपुर का मामला। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार न्यूज। सर, शिकारपुर थाना क्षेत्र में एक विवाहित महिला को की हत्या का मामला सामने आया है सर, क्या पूरा मामला है सर, इसमें क्या गिरफ्तार? प्रकरण थाना शिकारपुर के हमीरपुर गांव का है, जहां एक लगभग 26 वर्षीय महिला जो शादीशुदा थी और जिसके दो बच्चे हैं, एक बच्चे की उम्र लगभग 5 वर्ष और दूसरे की 3 वर्ष है, उसकी चाकू मार करके हत्या उसके चचेरे चाचा विनीत के द्वारा की गई है, जो खैरपुर गाँव डिबाई का रहने वाला है। प्रकरण इस तरह का है कि चचेरा चाचा और भतीजी के बीच में अवैध संबंध काफ़ी दिनों से थे और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन ये महिला अपने चचेरे चाचा के साथ घर छोड़ के चली गई थी अपने ससुराल से, और नोएडा में जाकर के एक दूसरी चचेरी बहन है उसके सौजन्य से वहीं कमरा लेके दोनों रहने लगे थे। जब ये बात घर वालों को पता चला तो दोनों पक्ष के लोग, उस जो चचेरी बहन नोएडा में रहती है उसके ऊपर दबाव बनाया, तो 7 तारीख को उस चचेरी बहन ने परी चौक के पास अपने परिवारी जनों को बुलाकर, मतलब इसमें लड़की के मायके के लोग थे, लड़के और लड़की को सुपुर्द कर दिया। 7 तारीख को ही शिकारपुर में दोनों पक्ष के लोग साईं मंदिर पर बैठे, इनके बीच में आपस में सहमति बनी, लड़का अपने घर भेज दिया गया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें, और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।